कोई जो है सुबह सुबह टोटका करके गया है यहाँ पे, बब्बा जी भी आ गए, बोला है फूटा हुआ है, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर रखा होगा इस पे, पता नहीं रात में रह गया होगा कोई। मम्मी पता कैफे पे किसी ने टोटका कर रखा था सुखी नारियल का। ये देखो पूरी ऑप्टिकल फाइबर जल चुकी है यहाँ से, और ये देखो सूर्य की आंख पे क्या हो गया, एक आंख पूरी सूज चुकी है देखो इसकी। मम्मी पता आज 300 लोग पूरे हो गए, पूरे 300 हो गए आज। Hey guys, good morning, welcome back to the new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे। So guys, अभी जस्ट कैफे में जा रहा हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए, घर का नेट को नहीं चला अभी तक। सुबह नेट स्टार्ट हो गया, चलो मैं व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। So guys, अभी फाइनली व्लॉग को अपलोडिंग पे लगा दिया है और टाइम हो चुका है 9:43। तो उठते ही सबसे पहले व्लॉग अपलोड करने आया था कि भाई किसी तरह 10 बजे से पहले व्लॉग अपलोड करना है, तो अभी ये तो लगा दिया अपलोडिंग पे, हो जाएगा 5 मिनट में हो जाएगा। और अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे कैफे पे आते एक चीज़ पता चली है काफ़ी घिनौनी, तो देख के वैसे दिमाग खराब हो गया। तो ये देखो कोई जो है सुबह सुबह टोटका करके गया है यहाँ पे, दिख रहा है रात में। तो अभी सुबह ने बताया मुझे, सुबह यहीं पे था, तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, हद है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, मतलब क्या ही कर रहे हैं, तंत्र मंत्र पता नहीं क्या दिमाग लोगों को क्या मिलता है, समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। बब्बा जी भी आ गए, बोला है फूटा हुआ है, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर रखा होगा इस पे, पता नहीं रात में रह गया होगा कोई, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा 5-7 पर देख लिया बंदा जो है यहाँ, लोग बाग नेगेटिव डाल लग रहे हैं तंत्र मंत्र के साथ, पता नहीं क्या करना सोचा लोग बाग, है भाई खुशी से खुश नहीं है। बताओ यार ये फूटा हुआ है और इसके अंदर कुछ ना कुछ डाला हुआ है अंदर, अभी देखो ठंडी। बब्बा जी मना कर रहे हैं पैर से करने के लिए, कह रहे हैं कि किसी स्टिक वगैरह से हटा लो यहाँ से, और क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं पता क्या चीज़ है यार, क्या ही कितना खतरनाक जादू कर रखा है, और पता चला कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये मतलब कोर्ट के लोग करते क्यों है, क्या दिमाग में रहता है, और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है भाई, रामबाण इलाज बताओ। उल्टी तरफ से झाड़ू झगड़ दो साइड में, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। हाँ देखो थोड़ा इसमें गिर दो ना, बनाली में गिर दो, कोई नहीं कर दो सरका दो, चलो साइड में कर दो, चलो बाबा जी ने जो है साइड में कर दिया, अभी वो जो है नाली में फेंक दिया, तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे फिर भी गलत है यार ये, मतलब ये चीजें मतलब लोग पता नहीं क्यों ही करते हैं, तो समझ से बाहर है भाई हमारी। तो एनीवेज हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों की पता नहीं सोच ही ऐसी है, उन्हें क्या ही मिलता है टोटके वगैरह करके, जादू टोना करके, मतलब किसी की खुशी छीन के या किसी के घर में कुछ मतलब उल्टा सीधा करके, यार लोगों को क्या मजा आता है, मेरी समझ से बाहर है यार, दिमाग खराब हो गया। सुबह सुबह कैफे पे आती है ना, जो मैं बता नहीं सकता अपने वर्ड्स में कितना बुरा फील हो रहा है, लेकिन क्या हम भी क्या ही कर सकते हैं, अब क्या ही बोले बस। और हाँ आप लोग ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन टोटकों से जादू टोनों से कैसे बचा जा सकता है, मतलब इनका इफेक्ट कैसे रिवर्ट कर सकते हैं, अगर किसी को पता हो ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नीचे, और लोग बात क्यों करते हैं और क्या क्या तरीके हैं टोटकों के वो भी बता देना, तो ताकि हम भी बच सकें इन चीज़ों से, कहीं फ्यूचर में हमें देख के पता चल जाए कि हाँ ये टोटका हो रखा है इस जगह पे, तो कई बार पता ही नहीं चलता लोग बात टोटके करीब रखते हैं, और मतलब जब ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का तो कोई कैसे समझेगा कि हाँ ये टोटका है नहीं है। एंड बाय द वे अभी फाइनली मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया है और यूट्यूब पे ही पोस्ट कर दिया है मैंने, 10 बजे से पहले हो गया सब कुछ, अभी चलते हैं। चल ठीक है सुबह जा रहा हूँ मैं। मम्मी पता कैफे पे किसी ने टोटका कर रखा था, सुखी नारियल का टोटका कर रखा था, अभी मैं गया तो था कैफे पे, बब्बा ने फिर झाड़ू झटाया। हाँ वही तो, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मुझे पता उल्टा ही हो जाएगा, और क्या पता नहीं कैसा किसी का करेगा, बस ये भगवान का काम करते हैं हम। हां टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कुछ, सही बात है, क्या सोचना। और अभी फिलहाल मम्मी जो है अपनी चूड़िया का सेट जो है एक साथ लगा रही है, कहीं जाना है क्या, कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या, हमें परसों का शादी है एक, तो मौसी की शादी है, मतलब चाची की बहन, तो हिसाब से मेरी मौसी लगेंगी, तो उनकी शादी की तैयारियां हो रही है अभी, तो मम्मी अपनी जो है साड़ियों का सेट मिक्स कर रही है। तो गाइस अभी फाइनली मैं अभी नहा के रेडी हो गया था, और इंटरनेट ठीक करने वाले भैया भी आ चुके हैं बाहर, तो उनकी जस्ट कॉल आई थी अभी, तो बाहर चल के देखते हैं कितना काम हो चुका है,
खोलिए भाई पूरा तार। अच्छा ये देखो पूरी ऑप्टिकल फाइबर जल चुकी है यहाँ से, तो अंदर से पूरा खोलना पड़ेगा भाई ये, तो बाहर से हो जाएगा काम। अच्छा ये देखो कितनी बुरी हालत हो गई थी भाई, कल सारा तार जल गया था, आज लग गई थी। और ये देखो सूर्य की आंख पे क्या हो गया, ये कल से हो रखा है, दिखाना सूर्य एक बार, आंख पूरी सूज चुकी है देखो इसकी, यहाँ पे पता नहीं शायद फुंसी की वजह से हो गया है। पेन हो रहा है सूर्या, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है सूर्य को बहुत ज्यादा अभी। चलो हो जाएगा ठीक, शाम तक ठीक हो जाएगा। दवाई तो ले ली तूने, इधर नहीं ली, आई हो रही, चल तू इधर आ, छाया में आ, यहाँ खड़ा हो जा आराम से। आज अब ठीक होगी, आज कल लगी थी, आज अभी भैया ठीक कर देंगे। देख करंट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं उसमें करंट नहीं है, वो कल ठीक करा दिया था इन्होंने भैया ने, उसमें नहीं है। नहीं नहीं वो उन्होंने टेप वगैरह बांध दी थी अच्छे से। तो ये भाई वायर जोड़ोगे कैसे, नीचे तक लाओगे कैसे? मतलब सॉरी चेयर क्यों ले आया, यहाँ बैठ के देखेगा, इसे देखो मास्टर जी को, यहाँ बैठ के बढ़िया मजे लेगा। क्यों बैठा तू यहाँ पे है? जल्दी बता क्यों बैठा यार, बहुत बुरा हो गया सूर्य का, कैसा लग रहा है सूर्या? ये देखो यार कितना ज्यादा सूज चुका है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए सूर्य, नहीं तेरी खल उतार दूं मैं, सारे खल उतार दूं। तीन आई और कहाँ हो रही, दो भैया मुझे दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ। लो भाई खाली जग खोल लिया, अंदर छोड़ दो, अंदर ही कर लेना फिर, मतलब कुछ ना कुछ डेली हुए जा रहा है। सूर्य चाहता ही नहीं कि एडमिशन हो इसका, है बे स्कूल में ही जाना तुझे, आज तूने आपके ऊपर ये करवा लिया है बे, आज भी तेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा अभी। ये कैसा लग रहा है सूर्या, कितना पेन हो रहा होगा तुझे यार, देखिए तो यार कितनी सूज गई सूर्य की आँख। चलो अभी बाहर का काम तो हो गया, अभी अंदर से करेंगे भैया, क्योंकि वो जो मेन तार था ना बाहर से जो लेके आए थे वो अंदर पहुँच चुका है, अब सारा काम अंदर का है, लूज करना पड़ेगा अंदर से जो वायर पहले से डली हुई है ना, और वो फिर नीचे आएगी और फिर भैया जो है कनेक्टिविटी करेंगे उसकी। गाड़ी तो हो जाएगा काम, चलो गाड़ी हटानी नहीं पड़ेगी, मुझे लगा था भी गाड़ी को हटानी पड़े। सूर्या चेयर तो लिया बाहर से, बाहर रख के आया, अंदर भी रख दो उसे, ओए जा ले क्या, आज बुझ गई भाई, बुझ गई आग, अब लगी रहेगी आग। अरे बुझ गई, बुझ गई, बुझगी, तू 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 नहीं मानने का, तू नहीं चेहर तो लिया था बावले, ले गर्म हो गई ये धूप में रखी रखी चेहर भी, कहाँ रखूँ इसे, यहाँ रख देते हैं। क्या अम्मा यहाँ रखती है चेहर? नहीं वहाँ पे देख छाया है ना, अभी गर्म हो जाएगी चेहर, रखी रहने दे वहीं, इसे भी कर दे छाया में कर दे इसे भी, हाँ हाथ से दूर रख, बॉक्स लगाना पड़ेगा अभी, अरे यार ये दिक्कत हो जाएगी, तो अंदर ही रखना भाई बॉक्स को, अंदर ही फिर ठीक है। चलो इस बात का भी शुक्र है कि पूरी वायर नहीं खोलनी पड़ेगी, भैया जॉइंट लगा देंगे तो जो और जो जॉइंट्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर आएंगे। तो भैया कितनी वायर होती है जो जुड़ती है इसमें ऑप्टिकल फाइबर? बस एक ही जुड़ेगा, उससे काम हो जाएगा? अच्छा पहले तो भैया ने तीन चार जोड़ी थी, रेड कलर की थी, एक ब्लू कलर की थी, एक दो कलर की और थी। अच्छा वो जो मेन जो बाहर पॉइंट होता है, अच्छा यहाँ पे सिंगल पॉइंट होता है, और जो खम्भे के पास जो मेन जॉइंट होता है उसके अंदर तीन चार वायर होती है अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर, और अंदर एक ही मेन ऑप्टिकल फाइबर होती है। ये है ऑप्टिकल फाइबर क्लीनर और ये मेन मशीन है, इसमें दिखता है कैमरा वगैरह होगा ना, इसमें दिखता है कि अच्छा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ से पूरा का पूरा दिखता है मशीन के अंदर स्क्रीन पे कि तार जुड़ गया नहीं जुड़ गया। पहले तो बहुत बढ़िया आती थी ये मशीन, नहीं इतनी आती, वो थोड़ा वो अच्छा उसके अंदर लगी रहती होगी, वो मॉडल का फर्क है थोड़ा, अच्छा मॉडल का फर्क है। चलो एक ही वायर जुड़नी है और बाकी बॉक्स के अंदर फिर वो पूरा पैक कर देंगे, तो फिर काम खत्म। कितनी देर का काम है भैया और? बस मेरा 2 मिनट का काम है। चलो सही है, ऑप्टिकल फाइबर का ऐसा नहीं है जैसे एक ऊपर वायर होती है दो जॉइंट पकड़े ऐसे घुमाए टाइट कर दे प्लास से और टेप मार दी, तो ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर को बिल्कुल जॉइंट टू जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट जुड़ती है वो, और फिर एक बॉक्स के अंदर बंद करनी पड़ती है, टेप नहीं मार सकते, अगर टेप मार देना फिर टूट जाएगी वो, तो काफ़ी सीन अलग रहता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो उसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है ना, मतलब जो रेज होती है वो ऐसे जिगजैग फॉर्म में चलती है, तो उसका सीन काफ़ी अलग रहता है ऑप्टिकल फाइबर्स का। तो काफ़ी मतलब हाई लेवल की मशीन आती है ये तार वगैरह जोड़ने के लिए, काफ़ी महंगी मशीन है वो भी। कितने की है भैया वो मशीन?
130,000 की मशीन है भाई, देख लो कितनी महंगी है। सिर्फ एक सिंगल जॉइंट जोड़ने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर का 130,000 की मशीन यूज होती है। तो ये दोनों मशीन आती है अलग अलग हैं? पूरा सेट है। अच्छा, पूरा सेट 130,000 का है, तो अब देख लो। और शायद काफी सारी होंगी, काफी सारे जो मतलब लोग काम करते होंगे सबके पास अलग अलग मशीन होगी। हाँ देखो फिर तो भाई लगभग मतलब अगर पांच भी हैं तो 5,00,000+30,000 की अप्लाई कर लो तो मतलब 6.5 लाख के करीब बैठता है। तो यही मशीन से इतनी महंगी बैठती है भाई। क्या मैं चेक करता हूँ, अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ शायद टाइम लेगा थोड़ा अभी स्टार्ट होने में। आ रही है कनेक्टिविटी? नहीं आ रही तो दिक्कत हो जाएगी। तार जुड़ने के बाद क्यों नहीं आ रही कनेक्टिविटी? पता नहीं क्या हुआ, कनेक्टिविटी आ ही नहीं रही है। वाईफाई राउटर में जो है तार जुड़ गया है फिर भी। तो अभी भैया जो है मेन खंबे पे देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे तो कोई कनेक्टिविटी लॉस नहीं है। तो अभी जस्ट चेक किया वहाँ पे मेन खंबे पर, वहाँ पे तो रेंज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस घर पे जा रहे हैं, तो शायद वहीं कोई फॉल्ट है अभी भी जिसकी वजह से रेंज नहीं आ रही। तो देखते हैं अभी क्या होता है। लो भाई मैं एक बार ग्लास लेके आ रहा हूँ, एक सेकेंड। जहाँ पे आग लगी थी ना वहाँ पे जॉइंट चेक कर रहे हैं कि वहाँ तक रेंज आ रही है नहीं आ रही है। अगर बाई चांस यहाँ तक भी रेंज नहीं आ रही होगी ना तो फिर पूरी वायर चेंज करनी पड़ेगी। और अभी तक मैं अपना ऑफिस का वर्क भी स्टार्ट नहीं कर पाया इस वजह से जो है। क्या दोस्त नहीं आ रही रेंज? अरे यार पूरी वायर चेंज करनी पड़ेगी अभी, तो दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा अभी। तो भाई पंगा ही पै गया पूरा जो है, वायर चेंज करनी पड़ेगी अभी। तो भैया गए हैं वायर वगैरह लेके आएंगे और लंच के बाद ही आएंगे अभी, तो मतलब 2:30 बजे। तो दिमाग खराब हो चुका है पूरा, काम रुक चुका है मेरा, क्या ही बताऊँ बस। चलो देखते हैं जो भी होगा अभी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है। 2000 years later आगे भाई ये वायर नहीं लेके आए अभी? अच्छा फिलहाल 3:30 हो चुके हैं और जस्ट भैया अभी नई वायर लेके आए थे। तो फिर कैसे पता चला कुछ और प्रॉब्लम है? एक डिवाइस और निकला है, वो डिवाइस नहीं थी उस टाइम मेरे पास, जॉइंट गलत था। जॉइंट अच्छा अच्छा, अच्छा। पूरा तार डालना पड़ता नहीं तो। अरे यार सूर्य की आग देखो बढ़ती जा रही है। आ रहा हूँ मम्मी अभी, एक बार तार जुड़वा दूँ। ये लेजर लगा के देखिए अंदर से, बाहर लाइट तो आ रही है। तो पता चला जो ऑप्टिकल फाइबर जोड़ी थी वो गलत जोड़ दी थी, तो अभी सही वाली जोड़ रहे हैं। तो पहले पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि लेजर नहीं थी। सूर्य रोए जा रहा है भाई जब से, इसकी आँख में जो है काफी ज्यादा पेन हो रहा है। क्या हो गया, बाहर जाएगा? क्या कह रहा है? धूप हो रही सॉरी, बाहर तो बहुत ज्यादा। सही लाइट जल गई, अब तो चल गया शायद, चल गया ना? ओ भाई चल गया भाई फाइनल नेट, अब जाके सांस में सांस आई भाई। चलो अभी फाइनल सारा काम हो गया है और बॉक्स भी सही जगह लग गया, तो जलने की वजह से भी हो गया कि एक जोड़ आ गया अंदर। अच्छा भाई धन्यवाद, सूर्य भाई कर दे। तो गाइस सच में अब जाके सुकून मिला है भाई, नेट चल गया ना। आज तक जितनी बार भी नेट खराब हुआ ना, पहली बार के में कभी पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है। पहले घर पे प्रॉब्लम मिलती है, फिर यहाँ पे सही होती है, फिर पता चलता है कि अभी भी प्रॉब्लम है, फिर बाहर जाके देखते हैं, फिर वहाँ पता चलता है भाई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर पता चलता है कि तार ही चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पहली बार के में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हो, हमेशा ऐसे होता है। लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और फिर आखिरी में जाके घर पे ही मिली थी प्रॉब्लम, तो कुछ ऐसा सीन रहता है। लेकिन अभी ठीक ही है कि हो गया ठीक भाई किसी भी तरह, भले ही मेहनत लग गई हो। सो गाइस जस्ट अभी जिम के लिए निकला था, अभी 7 बज चुके हैं सुबह से, काफ़ी सारा ऑफिस का वर्क पेंडिंग हो गया था इंटरनेट की वजह से, तो अभी जस्ट टाइम मिला है निकलने का, तो अभी निकला था। और आज तो भाई वहाँ तक पूरी रोड कम्प्लीट हो चुकी है और मैं अभी इस रोड पर चल रहा हूँ ना, मेरे पैर चिपक रहे हैं नहीं है ना सड़क अभी, तो अभी तो शायद एक लेयर और भी छेगी इसमें पतले वाली, अभी मोटी रोड ही है। तो ये देखो अभी तो मोटी मोटी सी है, तो कल को फिनिशिंग देंगे इसे भाई। सही है, अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, काफ़ी ख़राब हो रखी थी ये रोड। चलो भाई अभी फाइनली जिम भी हो चुका है और अब चक्कर लगाते हैं जिम करते करते भाई, इतनी गर्मी होने लगी ना तो कई बार पानी पीना पड़ता है बीच बीच में, तो स्टे हाइड्रेटेड। नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रखी है भाई, बच के रहो जितना हो सके। रोड पे रोड रोलर खड़े कर रखे हैं ताकि कोई कार वगैरह चढ़ के ना जाए, नहीं तो बनाया बनाया रोड ख़राब हो जाएगा। मोचा मम्मी पता आज 300 लोग पूरे हो गए, 300 पूरे 300 हो गए आज, मैंने अभी देखा पता चला 300 हो गए भाई, पता ही नहीं चला टाइम का। मोचा 24 मई को हाँ 2021 से स्टार्ट किया था, पहला व्लॉग मैंने 2021 में डाला था 24 मई को,
और आज 300 पूरे हो गए भाई ब्लॉग, एकदम से यकीन नहीं आया कि 300 लोग पूरे हो गए। हाँ मोचा जा चुके, 300 लोग पूरे हो गए। तो जस्ट अभी नहा के बैठा था और गर्मी काफी लग रही थी ना, और 300 लोग पूरे हो गए गाइस, तो मतलब काफी बड़ी बात है भाई। मतलब मैं बस सोच ही सकता था कभी, और आज 300 लोग पूरे हो गए यार। बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। तो अभी जब मैंने चेक किया अपने यूट्यूब पे व्लॉग नंबर कौन सा चल रहा है, तो 299 था आज वाला, और कल को हो जाएंगे, मतलब जो अभी शूट कर रहा हूँ ये कल आएगा, तो 300 व्लॉग भाई मायने रखते हैं सच में। तो काफी अंदर से खुशी मिल रही है, मजा आ गया। तो अभी फिलहाल खाना खाते हैं, खाना रेडी हो चुका है। सो गाइस अभी फिलहाल मेरा डिनर भी हो चुका है एंड मेरी व्लॉग की एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, एंड टाइम हो चुका है 12:45। तो अभी फिलहाल अपना 300 व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग भी काफी अच्छा लगा होगा। और आपको पता है अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करे, चाहे पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करे, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा। तो आप लोग से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय। और इधर सूर्य को देखो क्या कर रहा है, दिखा तो दे क्या बना रहा तू, जहाज। अरे तेरी तो अंगूठी में पंखड़ी है, कहाँ गई पंखड़ी, उठा 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 दिखा दे, मैं लगाऊंगा तेरी पंखड़ी, जोड़ता हूँ रुक जा। ए जुड़ क्यों नहीं, जुड़ गई, अबे ये तो घूमती भी है। हाँ? हाँ? अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ।